अल्लाह लेकिन माई यूर फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है आपने इसको एंड तक लास्ट में देखना है इसका एक भी स्टेप जो है वो आप लोगों ने मिस नहीं करना है ठीक है और इससे आप जो आ, मतलब बालों की ग्रोथ है ना उसको बूस्ट मिल जाएगा डबल मतलब तेज़ी से वो जो है ना वो लंबे हो जाएंगे तो आज की वीडियो जो है वो सीक्रेट ऑफ ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर आज इस वीडियो में रिवील हो जाएगा इससे पहले कि मैं चैनल पे, आ मतलब वीडियो मैं आगे बढ़ूँ आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करती कि चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए और चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अच्छा ये जो है ना सीक्रेट रेमिडी जो है इसमें जो है ना आपने सबसे पहले आपको चाहिए होंगे राइस ठीक है और ये राइस वाटर चैलेंज होगा और जैसे कि हमने पहले वीडियो में आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकती हैं राइस वाटर टोनर वगैरह हेयर के लिए मैं बना चुकी हूँ तो ये उससे थोड़ी मिलती जुलती है लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टेड है मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है मतलब ये यूज़ करेंगी ना आप तो आप कहेंगे कि मुझे अब किसी और रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं है सबसे पहले इसमें मैं आपको आगे मतलब स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा आपने क्या करना है आपने लेमन जो भी आपको अवेलेबल है अगर तो आपको ऑरेंजेस का जो छिलका होता है वो अवेलेबल है वो ले लें और अगर आपको लेमन का छिलका अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकती हैं ठीक है थीके? तो आ, ये देखें ज़रा अच्छा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये आ, क्या कहते हैं सोप नट्स पाउडर ठीक है powder, साथ अब आपको नज़र आ रहा है अदरक इसके अलावा आपको चाहिए होगा आ, ये Uh, क्या कहते हैं इसको स्पाइकनर ठीक है अच्छा तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है? कि आपको राइस चाहिए होंगे ठीक है और उसके बाद आपको चाहिए होगा नीमू या फिर ऑरेंज के छिलके चाहिए होंगे साथ में आपको चाहिए होगा जैसे कि सिका काई पाउडर होता है ना जो बाज़ार से मिल जाता है वो उससे बहुत आप लोगों के बालों को ना मतलब ब्लैक करने हो तो वो बहुत बेस्ट रहता है साथ आपको जिंजर चाहिए होगा अदरक जिसे कहते हैं अदरक तो ज़ाहिर है घर पे मिल ही जाता है अब आपको इस क्रीम पे ना ये सिक्काई पाउडर नज़र आ रहा होगा आप चाहें तो इसको घर पे भी बना सकती हैं लेकिन बाज़ार से भी ये पिसा हुआ भी मिल जाता है ठीक है इसे थोड़ा पीसना जो ना थोड़ा मुश्किल होता है अगर तो आपके घर में वो मिक्सी वाला ग्राइंडर है ना फिर तो आप पीस सकते हैं अच्छा तो अब इसको बनाने का मैं तरीका आपको बताती हूँ आपने क्या करना है लेमन जो है उसको छील लेना उसके जो है ना छिलके वो हमें चाहिए होंगे इस रेसिपी में और जो राइस है ना उसको आपने तकरीबन आप ले लें आम... चार से पाँच चम्मच आपने राइस ले लेने हैं ठीक है थीके? उसको पहले आपने भिगो देना है पानी में सॉक्ट अच्छी तरह से होने चाहिए एक से डेढ़ घंटा काफ़ी होता है ठीक है ताकि उसमें सारे उसके जो है ना गुण सारे रिजल्ट्स वगैरह उसके अंदर आ जाएँ उसके बाद आपने उसको पकने के लिए रख देना है और ये जो राइस का वाटर हो गया ना यही असल जो है ना वो काम करने वाला है मैजिक करने वाला है उसके बाद आपको जो मैंने लेमन के छिलकों का बताया आपने वो इसमें ऐड कर देने हैं साथ में आपने सोप नट्स पाउडर जो है ना वो इसमें ऐड कर देना है साथ आपने जिंजर का जो पीस है ना उसको आपने क्रश करके ना वो भी इस पानी में डाल देना है और हम ये इसको पका रहे होंगे में ले लें कोई सा भी बर्तन ले लें अच्छा तो साथ में आपको जो मैंने जड़ी बूटी बताई है स्पाइकनर्ड ठीक है वो भी आपने अगर आपको इजीली मिल जाए ना तो आप वो भी इसमें ऐड करें ज़रूर ऐड करें अगर नहीं मिलती तो ऑप्शनल है कोई मसला नहीं है ठीक है अच्छा तो अब हम इस रेसिपी को हमने मतलब अच्छे से अच्छे से पका लेना है इसका आ, कुकिंग का टाइम होगा फोटी से फोटी फाइव मिनट्स ठीक है और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से पका लेना है ना और आपने फिर उसको ड्रेन कर लेना है मतलब इसका जो भी पील वगैरह होगा वो नेक्स्ट यूज़ के लिए आपने सेव करके रख लेना है जी हाँ ये नेक्स्ट यूज़ भी इसका हो सकता है ठीक है आपने इसको वेस्ट नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये री हो सकता है और एक्सपेंसिव भी आपको थोड़ा सा है कि जैसे कि आपने सॉप नट्स पाउडर लाना है तो आप इसको री कीजिएगा ठीक है फिर आपने जो उसका पा, आ, पानी होगा ना जो हमने आज रेसिपी बनाई है उसको आपने आ, किसी बोतल में ऐड करके भर के ना आपने रख लेना है तो स्प्रे वाली बोटल्स आजकल मार्केट में इज़िली अवेलेबल हैं आप वो वाली लिए तो आप उसको अपने बालों में अप्लाई करें और यकीन मानिएगा इससे आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे इतने अच्छे हो जाएंगे आप अपनी मदर से पूछिएगा या फिर आपके जो भी घर में बड़े हैं ना उनसे पूछिएगा कि जो होता नहीं है सोप नट्स पाउडर ये कितना इफ़ेक्टिव है बालों की ग्रोथ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा आमला रीठा सिक्का है तो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था सोप नट्स पाउडर इसको कहते हैं ठीक है और जिंजर जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है अच्छा मेरी यहाँ पर एक वीडियो है पेडिक्योर कैसे किया जाता है तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पे आप लोगों से एक दफ़ा फिर से कहते चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यहाँ पे बहुत सारी आप लोगों को अमेजिंग रेसिपीज़ रेमेडीज़ वगैरह मिल जाएंगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा ताकि और हाँ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली आप लोगों को वीडियोज है ना वो टाइमली मिल सकें तो आ, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो होती है ना इंडियन ख़वातीन लगा लें या फिर जब जैपनीज़ जो है वहाँ पे मतलब राइस वाटर को इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो आपने जो है ना ये ना टेन टेन डेज़ का चैलेंज आप इसको रखें आप इसको यूज़ करें आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें कमेंट सेक्शन में आके आपने मुझे इस रेसिपी का स्पेशली बताना कि अगर आपने ये ट्राई किया या आपने बनाई है घर पर और ये ट्राई किया तो आपको इसके कितने रिजल्ट मिलें ताकि फिर दूसरे भी आएंगे और लोग आएँगे तो वो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको भी इससे बेनिफिट होगा और ये आप लोगों को भी इसका स्वाब होगा ठीक है तो ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है और इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह ऐड नहीं है तो मैंने इस रेमेडी को ख़ुद से भी यूज़ किया हुआ है अच्छा आंवला रीठा सिक्का गई जो है ना वो तो मतलब आप ऐसा है ना कि अगर आप शैम्पू ना भी करें तो आप जस्ट आंवला रीठा सिक्का गई उससे इसे अपने बालों को वॉश कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा उसके ना अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे उसकी झाग भी बन जाती है ये नहीं है कि जैसे शैम्पू की झाग बनती है तो आंवला रीठा सिक्का गाय जो है उसकी झाग नहीं बनेगी नहीं ऐसा नहीं है और इससे ना लेमन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आप लोगों के बाल जो हैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग उनमें आ जाएगी तो ये जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा हम लोग ना असल में अपने पे पर तोह नहीं देते अपने अपने हेयर्स को का ख्याल ही नहीं रखते हैं तो आगे जो आने वाली जनरेशन है ना उनके बाल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हैं हेल्दी नहीं होने वाले ना ही उनकी ग्रोथ होगी इतनी ज़्यादा क्योंकि आप अगर आप लोग ही नहीं अभी अपने बालों की केयर करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये फॉरवर्ड होगा आगे ये चीज़ जाएगी जाएगी जीन्स के साथ तो इसलिए थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करें अच्छा मैं यहाँ पे जो वीडियो मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ मेरी एक वीडियो है वो स्पेशली uh, फीमेल्स के लिए है ब्रेस्ट uh, uh, जो है ना डिक्रीज़ uh, करने का तरीका और ये इन्लार्जमेंट का भी वो भी आपने वीडियो मेरे चैनल पर जाके ज़रूर वॉच करनी है और चैनल का विज़िट जरूर किया करें बहुत सारी अमेजिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगी ये नहीं है कि आपने जस्ट ये वाली वीडियो देखनी है और आपने चैनल से चले जाना है और भी वीडियोस बहुत मज़े मज़े की हैं अच्छा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आप लोग और मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं आपको मेरा किस तरह का कंटेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है ताकि फिर मैं ना नेक्स्ट उसी तरह के टॉपिक्स को मज़ीद आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और